दोस्तों आपके हमारे चैनल टेक्सट्यू में दोबारा से स्वागत है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का भाई रियलमी के जो 5G स्मार्टफोन आने वाले हैं, कब आएंगे, कब कैसे आएंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम आशीष, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो रियलमी का भाई 5G मोबाइल आने वाला भाई, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला इंडिया में भाई, 2019 के अंदर आएगा, पर अभी मिड के अंदर नहीं आएगा, मिड से थोड़े से बाद में आएगा, मतलब एंड से जो 2019 का एंड होगा उससे पहले आपको फ़ोन देखने को मिलेगा रियलमी का। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे भाई रियलमी का जो एक्स आएगा भाई, वो रियलमी का 5G वेरियंट आएगा इंडिया में, तो भाई ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए भाई, जो 5G वेरियंट है वो एक्स भी नहीं आएगा, और आप जो सोच रहे एक्स प्रो उससे जो अपग्रेड वर्जन जो उसका सक्सेसर आएगा भाई, वो भी इसका कहते हैं 5G वेरियंट में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और दोस्तों जो इसमें जो सीरीज आएगी दोस्तों, आपको कोई अलग सीरीज देखने की मिलेगी जो आपको 5G वेरियंट मिलेगी, क्योंकि भाई अब तो इंडिया में कोई 5G फोन नहीं है, जो कि सैमसंग, जैसे कि सैमसंग आप S10 देख सकते भाई, बाहर जो कंट्री में भाई 5G आपको वेरियंट अवेलेबल होता है, पर इंडिया में आपको 5G वेरियंट अवेलेबल नहीं होता भाई। ऐसा ही रियलमी ने टीज किया है माधव सेठ ने भाई, वो काम कर रहे हैं जल्दी इंडिया में 5G स्मार्टफोन लेके आने आ रहा है भाई। तो मिड तो भाई आ चुका है भाई, 2019 के एंड तक आपको फ़ोन देखने को मिलेगा 5G वेरियंट। तो दोस्तों जो कि रियलमी ने भी इतना अच्छा काम कर रही है, स्पीड बाय स्पीड, स्टेप बाय स्टेप इतनी जल्दी से बढ़ती जा रही है, कि भाई फ़ोन इतनी जल्दी मार्केट में आते जा रहे हैं कि भाई बिल्कुल रियलमी ने तबाही मचा दी है हर बजट में, कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन ला रही है कि भाई पूछिए मत, पूरा बजट सेक्शन इनको हिला के रख दिया है। जैसे भाई आप 15,000 के अंदर देख सकते हो भाई, मिड रेंज मार्केट पूरी रियलमी ने भाई बिल्कुल अपना राज कर लिया। और दोस्तों जो इसका फ्लैक्सी फ़ोन है भाई, वो फ्लैक्सी नहीं आएगा, मिड रेंज प्रीमियम फ़ोन आएगा जो कि रियलमी एक्स होगा, और भाई रियलमी एक्स प्रो भी उसका सक्सेसर जल्दी ही आएगा मार्केट के अंदर। तो भाई ये भाई 2019 के एंड तक ही आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये फ़ोन जो आएंगे 2019 के एंड से थोड़े से पहले आएंगे। तो दोस्तों 5G वेरियंट जरूर आएंगे रियलमी के, माधव सेठ ने टीज किया था अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, ट्विटर पेज के ऊपर, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो भाई देखो, अब इंडिया में जो टॉप 5 कंपनी निकल गए थी भाई, लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया उन पर, तो भाई उसमें भाई रियलमी का कहीं पर नाम नहीं था भाई, इसलिए नाम नहीं था कि भाई आजकल लोग सोचते नया ब्रांड है तो इसलिए विश्वास नहीं करते, लेकिन भाई मैं तो उस तरफ जाऊँगा जिस तरफ मुझको परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन हाई मिलेगी, तो मैं उस तरफ अपने को शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि रियलमी, अब भाई रियलमी नहीं आ पाया टॉप 5 ब्रांड के अंदर, वैसे भाई सैमसंग आया, उसके अंदर शाओमी आया, एप्पल आया, और भाई क्या कहते हैं, और एक दो ब्रांड और आए, तो भाई उसमें रियलमी का नाम नहीं है दोस्तों, क्योंकि यार नाम इसलिए नहीं है कि भाई रियलमी नया ब्रांड है तो इसलिए लोग विश्वास नहीं करते, पर भाई रियलमी इतनी तेज़ी से रफ्तार से अपनी जो अपना प्रोग्रेस कर रहा है भाई, उस तरह तो भाई बहुत जल्दी वो मार्केट में बहुत जल्दी, और उसने राज कर चुका है ऑलरेडी मार्केट में, मिड रेंज मार्केट में उसका ही दबदबा चल रहा है आज के टाइम, इतना भाई क्या कहते हैं रेडमी का भी दबदबा नहीं जितना भाई रियलमी अपना दबदबा बना चुका है मार्केट में, इंडियन मार्केट अंदर। और भाई वो कहते हैं रियलमी के माधव सेठ ने भाई ये बताया है कि भाई उस उनके फ़ोन भाई आपको जल्द ही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। तो भाई उन दोस्तों से भाई बहुत गुड न्यूज़ की बात है भाई, मेरे दोस्त भी रियलमी के मोबाइल बाय करना चाहते हैं यार, रियलमी शीट 2 भाई जैसे फ़ोन होंगे मिड रेंज स्मार्टफोन लेने के लिए, वो लोअर बजट वेरियंट के लिए भाई वो मेहनत क्या कहते हैं वेट कर रहे थे, मैंने तो भाई रियलमी कर रही है वो वेट कर रहे थे, तो उनको भी अवेलेबल हो पाएगा। तो भाई 5G वेरियंट आपको मिलेगा, रियलमी एक्स और एक्स प्रो भी नहीं मिलेगा, जो आप सोचे भाई 2019 के बाद आपको मिलेगा 5G वेरियंट रियलमी का, और रियलमी की तरफ से मुझे लगता है सबसे पहला आपको 5G मोबाइल मिलेगा इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो भाई शेयर करना मत भूलिएगा, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो।